महात्मा गांधी की तरह आंदोलन करने की अपील हुई। मस्जिदों से इंदौर से पूरे देश को दिया गया एक बड़ा संदेश, हिंसक नहीं अहिंसक आंदोलन करें। मस्जिदों में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। शांति से मस्जिदों के अंदर हस्ताक्षर करती हुई है उंगलियां देश के उन शांति पसंद मुस्लिम युवकों की हैं जो इस देश में सांप्रदायिक एकता के साथ सिटीजन अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस बिल को लाए जाने के बाद से ही पूरे देश में अलग अलग तरह से विरोध हो रहा है, लेकिन इंदौर से एक संदेश पूरे देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया गया है। वह भी मस्जिदों से इंदौर की आइम्मा काउंसिल ने निर्णय लिया था कि वह विरोध का तरीका बदलेंगे। यही वजह रही कि मस्जिदों में ही शांति की अपील की गई और कहा गया कि विरोध करें जरूर करें, तब तक करें जब तक यह कानून वापस नहीं ले लिया जाता, लेकिन उसका तरीका बदल दें। अंग्रेजों की लाठी खाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई थी, उसी तरह से इस कानून से भी देश के मुसलमानों को आज़ादी दिलाई जाए। हिंदू और मुसलमान ये दोनों एक ही लोग हैं, इसमें बेवजह की बकवास करके और फालतू के कानून लागू करके इनका कुछ भी नहीं होना है। जो होता है हिंदू मुसलमान सब एक है, और इसमें ये सोचे कि हम लोगों को गुमराह करके और देश की तबाही कर देंगे तो ये मुमकिन नहीं है। ये जो भी कर रहे हैं इनको चाहिए कि मुसलमानों से इतना मुखालिफ होना ही नहीं चाहिए। देश के बड़े हमारे कौन थे? गांधी जी। गांधी जी को सब मुसलमानों ने सहयोग दिया था कि नहीं दिया था, इसका मेरे को सवाल का जवाब दे देवे पहले तो। और अगर दिया है तो क्या मुसलमानों ने गलत करा था? आज की तारीख में भी हिंदू मुसलमान एकता से रह रहे हैं। मेरे तकरीबन दोस्त सब हिंदू हैं, तकरीबन ये समझ लो आप। और हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि देश में ये आपत्ति आ जाए। इस वजह से मोदी जी को ये फरमाइए कि भाई यहाँ आपका ये काम नहीं चलेगा। इंदौर के मुसलमान हर हिंदुओं से मिले हुए हैं, सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, आपके कहने से कुछ भी नहीं होगा। देखिए अभी जो मुल्क के हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, ऐसा लगता है कि पूरा मुल्क अंगारों पर बैठा हुआ है, और इसके पीछे बड़ी वजह और हकीकी वजह यही है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून पास किया है कि जिसकी ना तो कोई ज़रूरत थी ना हाजत थी, और इससे मुल्क के अंदर तकसीम के हालात पैदा करना और झगड़े के हालात पैदा करना, इसका उसकी पूरी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है। और ये एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर लोकतंत्र है, तो वही चीज़ें आना चाहिए कि जिसको आवाम पसंद करते हैं, आवाम के फ़ायदे की है। एक तकसीम तो हम झेल चुके हैं और उस तकसीम में कितना नुकसान नागरिकों का हुआ, मुल्क का हुआ, कितनी जानें गईं, वो सारी चीज़ें तारीख में महफूज हैं, सब लोग जानते हैं। और यहाँ पर कोई भी चीज़ मज़हब के आधार पर आप कैसे कर सकते हैं कि जब हमारे आईन में साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कानून यहाँ मज़हब पर आधारित नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में जो अभी जो कानून लाया गया है ये कानून बहुत ज़्यादा गलत है, और ख़ास तौर से वो जो जमहूरियत पसंद लोग हैं और जो धर्म निरपेक्ष लोग हैं, इन सब लोगों को इसके अंदर आके खुल के इसका सामना करना चाहिए, क्योंकि धारा 314 जो है, धारा 14 जो अपने को जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अंदर जो भेदभाव नहीं करती है, उस धारा पे हमला है, ना कि मुसलमानों पे हमला है। आज इस धारा पे अगर हमला हुआ है तो ये अपने संविधान खतरे में, मानो कि संविधान की हिफाजत के लिए सब लोगों को साथ में आना चाहिए, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जैन को, पारसी को, बौद्ध को, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं ये सब कुछ आजमाना चाहिए।